आही तो जब उन पिशाब कई दिन तो उनके घर में बिल्डोजर चली गया तो हमारा बिटिया डिलीवरी ही तो ओके घर में काहे न चले। हम ये चाहिए थी, अब हम उसको सजा चाहते हैं। शादी नहीं चाहते, अब शादी नहीं चाहते हैं। वो ऐसे बोलेगा फिर भाग जाता है। विश्वास नहीं है, विश्वास से हट गया है। आज इनको बड़ा आदमी को सरपंच को बुलाया समझौते के लिए का एक लड़की साथ हमारे गलत कोई आदमी किया कोई नहीं। वो शादी करने के लिए बोला, अब इनकार कर रहा मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा उसका मोबाइल, मेरे मोबाइल का नंबर भी आप लिस्ट में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तरफ हमारी शिवराज सरकार लाडली बहना योजना, बहनाओं के लिए तमाम योजनाएं निकाल रही है और कहीं पास ऐसे कृत्य हो जाते हैं हमारी बहनों के साथ तो बुलडोजर भेजने का काम किया जाता है और तमाम ऐसी काम किए जाते हैं। लेकिन एक मेरे समक्ष आप देख सकते हैं, ये एक लड़की है जिसके साथ बहुत गलत हुआ है और इन आगे की स्टोरी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमी। रेशमी, और अपनी पूरी व्यथा बताइए, क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या कुछ घटना हुई? यहाँ से संभव हुआ जी, फिर वो बोला शादी करने के लिए। नहीं, आप पहले कहाँ रहे, कहीं नौकरी उकरी करती थी? नहीं। हाँ, काम कर, काम कर। थोड़ा तेज बोलिए, तेज बोलिए। तो यहाँ से संभव हुआ, फिर गुजरात काम करने गया जी। वहाँ क्या करें, वो शादी करने के लिए बोला, अब इनकार कर रहा मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा, क्या नाम है उसका? अंकित कोल। अंकित कोल कहाँ का है, किस गांव का है? चचाई। चचाई का है तो मतलब कितने महीने की बात हो गई? ये आठवां महीना चालू है। तो आप क्या चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं? वो दो महीने से तक आया है, नहीं आ के बोलिए, डरने की बात नहीं। अब नहीं आ रहा है, दो महीना तक आया, अब नहीं आ रहा है। अब वो चाहते हैं सजा हो। शादी नहीं चाहती आप? अब नहीं चाहते, दो महीना से ताके रहे हैं। नहीं आता है, मोबाइल रही है तो अपना मोबाइल फोड़ दिया है। तो घर वालों को आप फोन नहीं लगाती हैं? आप मेरा उसका मोबाइल, मेरे मोबाइल का नंबर भी आज लिस्ट में डाल दिया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। हाँ, तो अब आगे अपना के जो उन मतलब पेट में बच्चा है, ये कई महीने की हुई है? ये आठवां चालू है। अच्छा, आठवां चालू। चलिए, लड़की से हम लोग जानकारी लिए हैं और इनके मतलब घर वालों से लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल लाना है। क्या? नंदलाल कोल। इनके कौन लगते हैं आप? मैं उनके पिताजी लगता हूँ। अच्छा, तो पूरी घटना आप एक बार विस्तार से बता दीजिए। क्या कुछ कैसन काम करे गई, का कुछ बात? कमाने गए रहे हैं, मैं इनके संबंध हुआ, काम धंधा करने गए रहे हैं, गाँव टोला के लोग गए रहे हैं। कहाँ? गुजरात। गुजरात, वहाँ गुजरात में इनके संबंध हुआ, हर चीज। लड़का गुजरात में रह रहा? यहाँ से गुजरात गया, यहाँ से चचाई से। अच्छा, साथ है ये दोनों जने? वही काम धंधा करते रहे, करते करते इनके प्रेम बना हुआ। प्रेम बने हुआ के बाद वो बोला कि मैं शादी कर लूंगा आपके साथ। बाप महतार को नहीं बताना यार। जब 2 महीने के बाद उसके पास बच्चा हुआ, झांसा दिया तो बताई नहीं। अब फिर वो आई लड़की, बताई बाप महतारी को कैसे सैसा हुआ है। तो उसके नाम में उसको बुलाया, मैंने गया उसके पास घरे, तो उसको बताया बा महतारी को, तो बुलाया लड़के बच्चन को अपने। तो आया अंकित गोल वहाँ पे, आ तो यहाँ सरपंच के सामने बोला कि मैं ये काम समझौता कर लूंगा सावन मामा में, मैं सम्मेलन कर लूंगा। और सम्मेलन का बोला समर को, उसने जाके बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, अपना तैयारी नहीं बनाना। तो फिर हम रिपोर्ट करने गया क्षेत्र में, थाना में। तो वो हो गया थाना में, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं मैं समझौता करवा दूंगा। अब समझौता हमारा 2 महीना लग गया हमको, 1.5 महीना है। टीआई बोला कि मैं समझौता कर दूंगा, तो वो समझौता तक नहीं करवाया। कहा मैं लड़के को बुलवा लूंगा, बुलवा नहीं पाया लड़के को। अब क्या करें हम, ऐसा है। चलिए, आप इसी घर की हैं? नहीं, उनकी दादी है, हमारा घर वहाँ है। अच्छा, तो आप बताइए थोड़ा घटना, जब ये लड़की वहाँ से आई थी? जब वहाँ से आई गुजरात से,
तब जब हम जाने यहाँ बताए पेट से नहीं हमका कोई मालूम नहीं रहा, कोई नहीं बताई हमसे। जब यहाँ आई घर में तब लड़का बच्चा दिखी तो बता तो बताइन तो फिर आन सुनन ता तयान घरे दिखेन फिर इनका भेजन उके घरे गे तो ओकर दाई रही घर मा तो कहीं लड़का तो है नहीं आ तई पंचे गे तो कहीं लड़का नहीं आ तो बुलवा ले हम शादी शुदा कही दे सम्मेलन करवा दे बसावन मामा से। हाँ तब नात आए नात के लड़का वो नाता आए हम रिश्तेदार आए यहाँ पुरान रिश्तेदारी रही तो गलती लड़का बिटिया दोनों करी तो दोनों के हमारे किया रहा मूड कि भाई शादी कही दे अंत तो करवे कर तो जब नसाई से हो के कही दे तो अच्छी बात कहन के नागा कहन। तो जब वो यहाँ आवा महुआ के पेड़ है यहाँ पीछे तो उनठे 200 पब्लिक रही हमारा सरपंच रहे सिक्रेटरी रहे पुराना सरपंच रहा दसई कोल सबको आए के समझौता करी तो वो लड़का कही के गया कही सम शादी कही ले सम्मेलन वहां बसामन मामा में जाए के जयमाला करवा ले सम्मान का। और शनिवार को वो आवा रहा यहाँ तो शनिवार के जब आवा तो उनठे ये कही के गया फिर ओखर बुआ वहां से फोन लगाई इस घर से कही से हमारा भतीज शादी नहीं करे कहा हमार भाई हमहू को गाड़ी देते है उन्हों को गाड़ी देते है तो वो शादी नहीं करे कही तो जाए के बता दी है तो हमका वो 12 बजे 10 बजे फोन लगाई हम 12 बजे रात इनके घरे आए अबे हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखे है रिकॉर्डिंग ही अपना हुआ है ठीक हम रिकॉर्डिंग ले लेते हाँ तो जाऊं जाऊं उनकर बुआ कहीं नहीं वो हम पूरा रिकॉर्डिंग रखे हैं तो बताई वो का करी फिर वो कहीस की रिपोर्ट कही दे उखर बुआ कहीस की रिपोर्ट कही दे तो इनका या कि हम बताएं फिर बिहान भर लेके सिरमौल गए बिटिया को लेके गए नौ चार जने के लेके गए सरपंच साहब गए तो कहीं समझौता कही ले तो वहा सोचन की भाई गाँव के सरपंच ही समझौता करवा थे तो कही ले भू गया जब नहीं करी तीसरे दिन फे गए तब कौन सुनाई नहीं भय फे गए तीसरे दिन तब सुनाई नहीं भय फिर महिला थाना गए हम खुदे गए रहे महिला थाना गए एफसी ऑफिस गए तो वहां से कहीं आवेदन लेके आवा सिरमौर से तो जब सिरमौर में आवेदन नहीं मिला लिखा नहीं आ तो हम का लेके जाई जब हमका मिली तब ना हम लेके जाब तो जब हमका कोनो कागज नहीं मिला बताई साहब तो हम का दे दे ले जाके तो वह दिन से रिपोर्टर नहीं हुआ तो वह दिन से हम 25 साथ ली है अब का करी थाना के बाद अपना एसपी ऑफिस रीवा नहीं गए नहीं गए जब यहाँ से आवेदन नहीं मिला हमका तो हम का लेके जाई ये अपना वजह के पता कैसा चला कि गर्भवती हो गई अपने बिटिया जब यहाँ आई तब हम जानी थी हमसे को नहीं बताई वो बतावे सामने बैठी उनकर महतारी खड़ी है बता दे कि हम बताए हैं तो जब घरे में आई सामने दिखे तब कहें कि भाई ये कहा है तब बताए इनकी डिलीवरी ही तो ये बताइए अब अपना पूछे कहा चाहते हैं से कि अब 2-3 महीने में डिलीवरी हो जाए तो बच्चा आ जाए बच्चा आ जाए वो महीने में डिलीवरी बताए ना उनठे अपना से कि हम वो महीने में डिलीवरी हुई अपना की तब रिकॉर्डिंग खुदे शुरू है तब ओके वो महीने में बच्चा हो तो जऊ वो चाहे तब अपना पंचे कह दी हम यह चाहत रहन कि समझौता कह दे तो जब वो नहीं माने ओकर महतारी फोन लगा के कहीस कि जऊ करे कोई कह लिया थाना पुलिस दिखे अच्छा कौनो सबूत है कि उन्हें कुछ गलत करी नहीं अपने बिटिया के साथ ऐसा कुछ फोटो या फिर मैसेज फोटो मैसेज हम नहीं जानी कुछ वो सामने में आके कही गया है कि ये जबरदस्ती हाथ पकड़ के हमका कहत रही तो हम ओका यहाँ कहें कि जब जबरदस्ती तो कहत रही तो चड्डी पहने रहे पैंट पहने रहे तो फुफू नेरेन रही तो गुहार मरते ना तो जबरदस्ती करत रही था तो बताते अपने बुआ से कि हम कैसन करत ही नहीं मार देते तान के कन पटे मा तो फिर कैसे जबरदस्ती करी हम अपने सामने खड़े हैं अपना गलत बोला तो अपना बर्दाश्त करब ना करम ना तो वो कैसे के कह ले तो जब दोनों जन के संबंध रहा हो तब गलत भाई एक जन से नहीं भा ना ओहिन भर से भा ना ओहिन भर से भा ठीक है या 7-8 महीना के बाद हो गया तो कुछ कुछ एक आध भी प्रूफ कुछ सब हम कुछ नहीं जानी साहब अब हम बाहर के हम कहा जाने अच्छा जी अपना माता जी है हाँ। का कहा का कुछ हम तो चाहे थे कि ओका सजा हो साहब हाँ। हम तो बहुत बहुत ताकन हम ताके रही गयन जब से वो बिटिया आई थी हम ताकन रही गयन अबे तक ताके रह गया तो जब कुछ कार्यवाही नहीं हुआ नया उतरा था हम अब सजा चाहिए थी हाँ अब हम उसको सजा चाहते हैं शादी नहीं चाहती है अब शादी नहीं चाहते हैं मान ले अगर वो शादी करेगा कहा था तो क्या करवे फिर वो ऐसे बोलेगा फिर भाग जाता है विश्वास नहीं है विश्वास से हट गया है मेरे पास रात में डिलीट मार दिया अपना डिलीट कर दिया हाँ फोटो है फेसबुक में है उसका नाम से चलता है उसी का फोटो लगी है नहीं नहीं
हम उसको 2-3 महीना से ताके रहे, नहीं आता है, तो अब मैं सजा चाहते हैं। फोन में बात करत हुआ? फोन में बोल तो रहे, नंबर ब्यास लिस्ट में डाल दिया है। ओके घर में को महतारी जौन बाप हुई ही, सास हुई ही, देवर हुई, और को हुई तो जौन हुई ही भाई हुई तो को बात करत है? केहू बात नहीं कहे, सब नंबर ब्यास लिस्ट में डाल दिया है। तो हका नहीं चाहता है, अब नहीं चाहता है केहू। हाँ अब जेल चाहते है। मारपीट तो रिफार नहीं भाई, वो कब करी मारपीट? एकदम हारी से हो गया है। घरे वाले तो नहीं मारता है? तो बाप महतारी सास जो रही हुई है, मारी नहीं, नहीं कोहो नहीं मारी नहीं। अब ये तो हम नहीं बता सकी सा है। अपना घर के आदमी हो, घर के आदमी यहाँ पे हमका जो चीज जानकारी नहीं है, तो हम कैसन के बता दे कि के कारण दबी गए। हमारे सरपंच गए सिरमौर, जै दिन हम सिरमौर गए तै दिन सरपंच गए, और उनके साथ ओखर बाप आवा रहा लड़का के सिरमौर माँ, तो कही कि हम विदा करा के ले जा, तो ओके ठाकुर ओके साथ में रहे हैं बीरेन्द्र सिंह, वो कोल के साथ ठाकुर रहे बीरेन्द्र सिंह, तो वो कहें हम जवाबदारी ले थे तो हम ले जाओ अपने घरे, तो हम कहें यह बताई कि अपना बिटिया ले जाब जवाबदारी लेके, आ कल वो मार के लात भगा दे फिर जवाबदारी अपना ले जेल। हम नहीं चाहत रहन, यह चाह रहन कि हम शादी ब्याह कह दे, तो बताई वो 2 महीने से तकवाए है, तो वो कल हाँ कह दे, अब फिर ऐसे करी तो हम का करब? मान ले अगर फिर जो गांव के दबाव कर दे दे कि नहीं तू चला होगा शादी करा दे, तो फिर गांव के दबाव हम का आज कहीं नहीं दीन, हमें आज दबाव चाहिए ना, आज हमका दबाव चाहिए, गाँव के दबाव हमका जैसा हम गए दुआरे दुआरे या बुलाए के ले आन सिरमौर ले गए बुलाए के, अब फिर थाने वहाँ महिला थाना गए वो कहूँ ऑफिस कहा थी वहाँ FC ऑफिस गए, तो जब हमका दबाव गांव के नहीं दीन, हमारा काम नहीं करवाई, तब बताई हम कैसे कि मामा जी क्या न हो 181 फोन लगाए रहे, लगा फोन कौना सुनाई नहीं भाई, हमसे अपना की न मानी जो करीन उनसे पूछी, मामा जी से अपना खुशी नहीं आए है। हम खुशी खूब रहन मान ले 12 साल जब से हुआ है, तो बड़ा खुशी मनाए रहन साथ दिहन, जब आज बताइए महाइये एक स्थित में बिटिया माँ बैठी तो हम कैसे की खुशी कौन ले जाए, अब देखे लगे है ते पली ही जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद है नहीं आए, तो हम ये चाहे थे कि वो आवे सामने माँ कहे कि हम गलत कर, कही के गह 100 आदमी के सामने कही के गह कि हम गलत करे, तो जो चीज हम सुने हैं तो हम कहबे करब कि भाई गलत करी सी, वो अपने मुँह से ना कही जाता हम ना मानी, भले हमारी बिटिया कहत रही तो वो खुद आके सबके सामने कहिए कि हम गलत करें, तो फिर कैसे ना माना जाई, तो जब पेशाब कई दिन तो उनके घर में बिल्डोजर चलिया, तो हमारा बिटिया डिलीवरी ही तो ओके घर में कहे ना चले, हम ये चाही थी जैसा ओके घर में चली गए तो ओहू के घर में चले, हमारा बिटिया गलत नहीं करीस कि वह करीस, दोनों जन के गलती से गलती भय, तो हमारा बिटिया डिलीवरी बैठी तो ओके घर में बिल्डोजर चले, तब हम जानी कि हाँ मामा हमका मानत है, नहीं मामा नहीं माना जो मामा करे भाई ओखा ना दे ही ना तो वो खाई का, हमारे गरीब मनई की तो है नहीं, तो हम पालब कैसे की बिटिया के, बिटिया का खवाऊ का लड़का पालब, साबुन नहीं तेल नहीं ओका का खानगी ना लागी, अब 10,000 के वो महीने में लागी खानगी, हम गरीब मनई कहाँ पाऊ, पुलिस और प्रशासन सरकार की कोनो मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिली हमका, कौनो सुनाई नहीं भाई, महीना थाना गए तहाँ सुनाई नहीं भाई, सिरमौर थाने गए तो नहीं सुनाई, अब मामा जी से हम यहाँ कहा कि मामा जी अब बिटिया का हमारे देखा है, अब बिल्डोजर चलवा दे ओका खानगी दिवामा या दे ओका पकड़ के ले आवे हमारे घरे सामने माँ, सजा फांसी ना दे तो सजा हो, हम ये चाही थी।